हम अब पूर्णांक के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं और जो धनात्मक संख्याएं हैं उनका जोड़ और घटा करके देख लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी होती है, उसके जोड़ घटा करके देखते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं कि -4 है और एक संख्या 2 है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो बच्चों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं माइनस के 4 और +2 करते हैं तो क्या आएगा इसके अंदर। ये माइनस का 4 है और ये 2 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, -2, क्योंकि -4 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा, -2 आएगा। वैसे ही माइनस का 3 और अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, -3 से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये माइनस का और ये प्लस का क्यों है। आपको पता होगा कि जब कोई एक संख्या माइनस की है और एक संख्या पॉजिटिव की है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जो सी संख्या ऋणात्मक अगर बड़ी है तो धनात्मक संख्या उसमें से माइनस हो जाएगी, अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो भी ऋणात्मक संख्या उसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी एक साथ नहीं रहते। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो ये माइनस हो जाएगी, अगर ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है तो इसमें से जो ये घटेगी, और जो ये बड़ी थी संख्या माइनस के अंदर, तो ये संख्या माइनस के अंदर ही उसका उत्तर आएगा। हम कुछ बड़ी संख्याओं को लेके देखते हैं, जैसे कि -10 लेती हैं, -10 लेते हैं और एक संख्या लेते हैं 12। अब ये देखते हैं कि -10 और 12 का उत्तर क्या आएगा। अब ये देखते हैं कि 12 -10। बच्चों अब ये देखो, ये सवाल आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि इसी के अंदर अगर आपको माइनस का सवाल करना होता था तो ऐसे ही तो था वो। क्योंकि अगर देखो 2 0 1 1, अगर हम 2 में से 0 जाएगी तो क्या रहेगा, 2 और 11, 1 -1 0, तो क्या आंसर आया, 2। वैसे ही अगर हम इसकी जगह लेते हैं 14 माइनस और एक लेते हैं 13, माइनस का 14 है और प्लस 13 है। अब ये देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा, -14 और 13, एक माइनस एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक माइनस, तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों का माइनस होना जरूरी है, माइनस होकर ही रहेंगे। देखो 4 में से 3 गए 1 और 1 से 1 गया, और जो ये 1 था यानी कि ये माइनस का 14 था तो ये बड़ा था, तो ये भी उत्तर में क्या आएगा, माइनस का 1 उत्तर आएगा। अब और संख्या देखते हैं, माइनस का 5 है और 4 है, तो क्या हुआ, -5 -4 प्लस का है, देखते उत्तर क्या है, -1। 15 है, -8 है, तो क्या हुआ, 15 में से 8 गए कितना आया, 7 प्लस का आया। और संख्या लेके देखते हैं, -20 है और एक संख्या मान लेते हैं 15 है, तो क्या आया, 0 में से कभी भी 5 जाते नहीं, तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, यहां से कैरी उठा लेते हैं जो कि 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो कितने रह गए, 5, और यहाँ 1 था, 1 से 1 हो गया, तो ये माइनस का जो 20 था ये बड़ा था, तो इसलिए यहाँ भी माइनस का निशान आ जाता है। तो बच्चों यही संख्या थी ऋणात्मक और धनात्मक। अब हम आगे करते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। बच्चों हमने पूर्णांक में बहुत सारे टॉपिक कर लिए, उसमें से एक आता है योज्य प्रतिलोम। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कोई भी संख्या, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, चाहे वो नंबरिंग हो, या फिर वो ए हो, बी हो, या फिर वो एक हो, दो हो, कोई भी हो, उसका बिल्कुल उल्ट करना, ठीक है, उसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि अगर संख्या हमारे पास ए है, ए का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा। अगर हमारे पास माइनस बी है, अगर हमसे माइनस बी का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, माइनस बी का
योज्य प्रतिलोम प्लस का बी होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 2-2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो हम कहेंगे 2। अगर पूछा जाए 20 का तो 20 का प्रतिलोम क्या है, -20 होगा। अगर पूछा जाए कि 30 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -30 होगा। और संख्या हम ले लेते हैं -40 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप बता सकते हो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। बच्चों आपने एक बात नोटिस की, इसके अंदर हमने प्लस ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए किया, माइनस बी का बी किया। अगर हम पूछे कि आपसे कि माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो आप क्या कहोगे, पॉजिटिव का ए होगा। अगर बी हो तो इसका ये होगा। यानी कि जो भी संख्या है वो कोई भी संख्या हो सकती है, नंबरिंग में हो सकती है, अल्फाबेटिक हो सकती है, उसका माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यही रहेगा। अगर आपके पास कोई भी संख्या मिलती है, माइनस के 10 मिलती है तो वो संख्या उसकी पॉजिटिव संख्या 10। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।